हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दिव्य किचन एंड ब्लॉग्स में। तो आज दिव्य किचन में हम बनाने जा रहे हैं अंकुरित चने का बहुत ही स्वादिष्ट चाट। तो आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 4 आलू और इसका मैंने छिलका निकाल लिया है। और इधर हमारा ये चना हो गया, इसको अच्छी तरीके से मैंने धुल लिया है। अब इन आलू को और चने को हम एक कुकर में डालेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अंकुरित चना है इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप एक बार ये ट्राई ज़रूर करिएगा। और आलू का छिलका निकाल कर चने के साथ डालना है कुकर में। और ये देखिए, मैंने कुकर ले लिया है। अब इसमें हम चना डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और अपना आलू भी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालकर ही पकाएंगे हम। तो 2 सीटी आने तक हम इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे कुकर को, और उसके बाद फिर हम लो फ्लेम कर देंगे और 5 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे हमारा चना जो है खूब अच्छी तरीके से पक जाए। और इधर मैं छोला बनाने के लिए 2 टमाटर का अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, प्यूरी बना लिया है। और इधर 1 पाउच मैंने लिया है छोले मसाले, अदरक लहसुन ग्रेट करके लिया है और हरी मिर्च और प्याज। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे सरसों का और तेल गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा हींग डालेंगे, इसमें हम डालेंगे अपना हरी मिर्च और डालेंगे जो हमारा ग्रेट किया हुआ लहसुन और अदरक है। तो थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, फिर डाल देंगे अपना प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने टमाटर का प्यूरी और इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हमारा जो छोला मसाला है उसको डाल देंगे। और लो फ्लेम पे हम इस मसाले को थोड़ी देर तक भूनेंगे, तो तेल छोड़ने लगेगा हमारा कढ़ाई में। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून गया है। और थोड़ी देर हम और पकाएंगे अपने मसाले को, तब तक हमारे कुकर का ढक्कन भी ठंडा हो गया तो खुल गया है। तो अब हम इसका आलू निकाल कर एक थाली में रख देंगे और मसाले में अपना ऐड कर देंगे जो हमारा चना तैयार हो गया है पक के, उसको डाल देंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे। जब बॉयल आने लगेगा अच्छी तरीके से, हम इसमें नमक डाल देंगे और उसके बाद हमारा छोला बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी छोला बनकर रेडी हुआ है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। इधर हमारा आलू भी ठंडा हो चुका था तो हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से फोड़ देते हैं और थोड़ा और ठंडा होने देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पोहा। ये देखिए, थोड़ा सा 1 मुट्ठी का पोहा हमने भिगो के रख लिया था। पोहा डालने से हमारी जो टिक्की होती है वो बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनती है, थोड़ा टेस्ट और भी खिल के आता है। तो आप पोहा ज़रूर डालिएगा जब भी आप टिक्की बनाइएगा। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार और धनिया पाउडर। और इन सबको अच्छी तरीके से हम मिलाकर छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे। फिर हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर, ये देखिए, इस तरीके से हम बना लेंगे अपनी टिक्की। और इसको एक तवे पे तेल डालकर हम गोल्डन आने तक इसका हम अपना टिक्की तैयार करेंगे। ज़्यादा हम तेल डालकर नहीं यूज कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी टिक्की में तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा डाल के और लो फ्लेम पर ही हम अपना टिक्की तैयार कर लेंगे, जिससे हमारे इसमें टिक्की में सोंधी सोंधी सी टेस्ट आ जाएगी। ज़्यादा तेल वाला हम बिल्कुल नहीं बना रहे हैं अपना टिक्की चाट। ये है हमारा अंकुरित चना टिक्की चाट। हमारी टिक्की तैयार हो गई है, अब हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो एक प्लेट में मैंने टिक्की रखा और छोला डाला, थोड़ी सी मीठी चटनी, इमली की मीठी चटनी डालेंगे और इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे, प्याज बारीक कटा हुआ और नमकीन। ये हमारा तैयार है चना टिक्की चाट। आप इसमें थोड़ी सी धनिए की भी गार्निशिंग कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो लीजिए, हमारा तैयार है चना टिक्की चाट। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।